हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे, आपका हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से अगर बात की जाए 52 वर्ण होते हैं, इनको मूल या कुल वर्ण भी कहा जाता है। कुल वर्ण कितने हैं? 52। अच्छा एक बात हमने मूल कही, तो मूल कभी कभी क्या करते हैं, मूल वर्ण 44 मानते हैं। वो कैसे होते हैं जब हम देखते हैं, जैसे स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। आपका जो अन और आह जो है इनको अयोगवाह कहा जाता है, स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। 11 वर्ण में आ आ ई ई ओ उ री ए ऐ ओ और औ को माना जाता है। 33 होते हैं आपके व्यंजन, दो भाग में पहले हम बांटते हैं 52 को, 11 और 33। 11-33 मिलकर कितने होते हैं? 44। तो ये आपके मूल व्यंजन कहलाते, मूल वर्ण कहलाते हैं। मूल वर्ण व्यंजन कितना है? मूल 33। स्वर कितने हैं? 11। जो ये 33 होते हैं इनको कैसे विभाजित किया जाता है अब ये देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ण होता है वो होते हैं स्पर्श वर्ण, 25 होते हैं। दूसरे स्थान पर होते हैं अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं ये होते हैं 4 संख्या में होते हैं। ये होते हैं पहचान होते हैं या रा ला और वा। अब ये जो 25 होते हैं कवर्ग कु चू तू तू तू, ये वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं, इनमें 5-5 होते हैं, तो 5×5=25 हो जाते हैं। तो 44 और 2 कितने हो गए? 46 हो गए। दो बता रहे हैं, 4, 44 और 4, 48 ऐसे तो कुछ हुआ, 44, 4, 48 वर्ण हो गए, क्योंकि ये 4 बढ़ी है तो दूसरा नंबर है। तीसरे स्थान पर आता है आपका ऊष्म वर्ण, यहाँ पर तो ये 44 हो गए, अभी ये संख्या नहीं जुड़ेगी, ये इसी के अंतर्गत है, गलती कर रहे थे हम। 25 और 4 कितने हो गए, ये जोड़ो, 25 + 4 = 29। अब क्या होता है, यहाँ पर भी 4 वर्ण आते हैं आपके ऊष्म, ये होते हैं शा शा सा और ह। तो 29 + 4 = कितने हुए? 33। अब ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, क्या क्लियर हुई, ये 33 और ये भी 33, तो ये हमारा भाग हो गए। अब 33 और 11 कितने हो गए? अब यहाँ पर हमारे मूल वर्ण निकल आए, वो हैं 44। ठीक, अलग से जुड़ते कौन है इन 44 में, अब हम उनकी अध्ययन उनको अध्ययन करते हैं, जबकि मिलकर कितने बनने हैं? 52 बनने हैं। 52 कैसे हम बनाए, इन 44 वर्णों में आपके दो वर्ण जुड़ जाते हैं, ये चौथा हिस्सा कर लेते हैं टाइप, चौथा टाइप। तो चौथा टाइप कौन सा रहेगा आपका, आपका आ जाता है ये उक्षिप्त वर्ण। कौन सा वर्ण आता है? उक्षिप्त वर्ण। ये संख्या में दो होते हैं, गा और रा और ढा, इनको क्या बोलते हैं? रा और ढा बोलते हैं, उक्षिप्त वर्ण है। तो 44 + 2 = कितने हुए? 46 वर्ण हो गए। अब इन दो इसके बाद में पांचवा टाइप हमारा आता है उक्षिप्त के बाद में, इनको भी हम जोड़ लेते हैं यहीं पर पहले, अंग और जिसको हम कहते हैं आयोग, क्योंकि हमने इनको जोड़ा नहीं था, हमने 11 रखा था, ये 13 नहीं किया था यहाँ पर। तो ये संख्या में दो हो गए आपके अंग और, तो 46 + 2 = 48। छठा टाइप हमारा आ जाता है एवं के बाद में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर भी होते हैं, संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 है और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 कौन कौन से? श, प्र, ज्ञा, स्र। तो 46 वो
अड़तालीस चार बावन प्लस चार बराबर, ये इस तरह से हमारे वर्णों की संख्या निर्धारित हो जाती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, गड़बड़ भी नहीं हुआ है। अब आपकी किताबों में, कई किताबों में नजर आएगा आपको, किसी में 44 होंगे, किसी में 46 होंगे, किसी में 48 होंगे, किसी में 52 होंगे, तो आप भटकना नहीं है। मूल वर्णों की संख्या पूछे तो 44 होगी, कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52 होगी। इनमें आपको संदेह नहीं करना, ये निस्संदेह बात हो गई है। अब हम इसके अंतर्गत इनके रहस्यों को जानते हैं कि किस वर्ण को किस नाम से और क्यों जाना जाता है, उसका जो भाग ये किए गए हैं इनको अलग अलग क्यों किया गया है, ठीक है।